तो सरफेस केमिस्ट्री में हम लोगों ने दो पार्ट्स हमारे ख़त्म कर लिए हैं। एक एड्सॉर्प्शन वाला पार्ट हमारा ख़त्म हो चुका है और दूसरा साथ ही साथ में जो कैटालिसिस वाला पार्ट है, ठीक है, वो हम लोगों का पूरा डन हो गया बराबर। अच्छा, अब हम लोग जो तीसरा पार्ट स्टडी करने जा रहे हैं, दैट इज़ अबाउट कोलाइड्स। बट कोलाइड्स के बारे में जानने से पहले तुम लोगों को ये पता होना बहुत ज़रूरी है कि आखिर हम ये जो पढ़ रहे हैं टॉपिक कोलाइड्स, ये किस कैटेगरी में आता है, ठीक है, किस कैटेगरी में आप इसको काउंट करते हो, और उसके अलावा अदर बेसिक बेसिक इन्फॉर्मेशन बराबर। तो ऐसे केस में हम लोग अभी बातचीत करते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस की। तो जब तुम छोटे होगे तो डेफिनेटली तुम लोगों ने जो टॉपिक होगा सॉल्यूशंस, इसको पढ़ा है। जैसे 9 CBSE की अगर मैं बात करूँ, मतलब CBSE के NCERT पैटर्न के अकॉर्डिंग, तो जो 9th क्लास में उनका चैप्टर नंबर 2 होता है, ठीक है, केमिस्ट्री का, उस पर्टिकुलर चीज में हम लोग बेसिकली इस सारी जानकारियों को पढ़ते हैं। जैसे ब्रोनियन मोशन क्या होता है, राइट। उसके अलावा आप लोगों का जो मैं अभी बताने वाली हूँ, यानी कि बेसिकली जो भी इंट्रोडक्शन मैं अभी दूंगी, ये सारा का सारा इंट्रोडक्शन 9th क्लास का है। तो अगर किसी को 9th क्लास वाली चीज़ आप लोगों की क्या है पता है, तो बहुत अच्छी चीज़ है, फिर तो उसके लिए ये चीज़ बहुत आसान होगी। अदरवाइज उनको ऐसा लगेगा कि थोड़ा सा डिफिकल्ट है। तो इन केस अगर किसी को नहीं पता हो ये सारी चीज़ें, तो NCERT 9th क्लास की चैप्टर नंबर 2 केमिस्ट्री का वो ओपन कर सकता है, वहाँ पे उसको ये सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। तो कंटिन्यू करते हैं। जब भी हम बात करते हैं सॉल्यूशंस की, तो देखो सॉल्यूशंस को हमेशा हम लोग 3 कैटेगरीज में क्लासिफाई करते हैं, ठीक है। 3 कैटेगरीज में हम हमारे सॉल्यूशंस को क्लासिफाई करते हैं। पहली कैटेगरी होती है हमारे पास नोन एज ट्रू सॉल्यूशंस। दूसरी कैटेगरी जो हम लोग रखते हैं, दैट आर नोन एज आपका कोलाइड्स, जो कि हमारे इस चैप्टर का मेन फोकस है। और तीसरा होता है सस्पेंशन। ये तीनों ही आपने अपने लोअर स्टैंडर्ड में इन सभी को पढ़ा है, ठीक है। ये होते हैं आपके 3 नाम जो आपने जानते हो। क्या हम अपने डे टू डे लाइफ में ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइड्स या फिर सस्पेंशन, इनको देखते भी हैं क्या? मतलब क्या हम लोगों की आंखों के सामने ये तो पर्टिकुलर टॉपिक्स आते हैं? या फिर बेसिकली अगर मैं ये कहूँ कि आप ट्रू सॉल्यूशन या फिर कोलाइड्स या सस्पेंशन फिलहाल अभी कहते किसको है? तो देखो, जब भी हम कोई भी सॉल्यूशन बनाते हैं, तो ऑब्वियस है कि सॉल्यूशन बनाने के लिए हम दो एंटिटीज को आपस में मिक्स करेंगे, है ना। आप दो चीज़ों को क्या करोगे, मिक्स करोगे। अगर आपने मिक्सिंग इस तरीके से की है कि एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल से मिक्स होने के बाद कंप्लीटली उसमें गायब हो गया, ठीक है, एकदम कैसा होता है बरमूडा ट्रायंगल के पास आते बराबर सारे जहाज गायब हो जाते हैं, दलदल के अंदर जाते बराबर इंसान या कोई दूसरी चीज़ गायब हो जाती है, तो वैसे ही ट्रू सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें जब आप दो लोगों को मिक्स करते हो, तो दो लोगों को मिक्स करने के बाद जो आपके सामने कंटेनर में जो आपको दिखता है, आपको ये पता ही नहीं चलता है कि वो पार्टिकल या जिसको मिक्स किया था वो पार्टिकल गया कहाँ, यानी कि इतने अच्छे से एक दूसरे के अंदर क्या हो जाते हैं, डिजोल्व। यानी कि थ्रू आउट द सॉल्यूशन भी अगर आप देखेंगे तो आप कभी बता नहीं पाएंगे कि उस पर्टिकुलर सॉल्यूशन के अंदर कोई पार्टिकल मिक्स किया भी है कि नहीं किया। जैसे एक ग्लास में शक्कर लो और पानी को मिक्स कर लो, मतलब पानी वाला शक्कर वाला पानी बना लो, और दूसरी तरफ नॉर्मल पानी रखो, टेस्ट नहीं करना है, टच नहीं करना है, सिर्फ देखना है अपनी आंखों से। टेस्ट करोगे तो डेफिनेटली पहचान जाओगे, टच करोगे तो चिपचिपापन से भी पहचान जाओगे, सूंघना भी नहीं, कुछ नहीं करना है, सिर्फ देखना है दूर से टुकटुकी लगाकर। तो ऐसे केस में आप ये देखोगे कि जिस ग्लास में सिर्फ पानी